आत्मा वाली
ज्ञातंते आत्मा वाग्य ज्ञातंते आत्मा वाग्य स्वरूपंते गुरु ने किताब में लिखा है आत्मा वाग्य ज्ञातंते। आत्म साधना सबसे बड़ी साधना, आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। आत्म साधना ऐसी बोलो चटका दे चटना ही हल्की फुल्की नहीं, आग पैदा करना होता है आत्मा की साधना के। अब देखिए ये सैटेलाइट चला जाता है, ये भी हो गया वो भी हो गया, कभी कभी तालियां जाती है, तो उसमें हम लोग को क्यों ये दिखाई पड़ता है कि जैसे सैटेलाइट है ऊपर में यहां पर उपग्रह ये रखा हुआ है और नीचे उसका सैटेलाइट का बड़ी नंबर इसमें रख करके यहां पर इंधन जलाता है। इसमें अलग अलग सबसेल है, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर, ये सब सेल्स होते हैं जिसमें ईंधन डाले गए रहते हैं। इसका ईंधन यहाँ आग लगाया तो ये ईंधन काफी ऊंचाई तक लगी, इसके बाद यह ईंधन इस पपड़ी को छेद कर इसको आग लगाता है। तो अब इसकी भूमिका कुछ दूर तक ले जाए तो वैज्ञानिक ताली बजा। हमने पूछा था हमसे कि ये सारे सेल्स में एक ही वैरायटी का ईंधन होता है कि अलग अलग वैरायटी, उन्होंने कहा कि सब में अलग अलग नेचर का ईंधन है। आग तो सब पैदा करे, जैसे मिट्टी तेल है, क्रूड ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, गैसोलीन है, सब सब मिट्टी तेल है, एक धुआं दे रहा है, एक पेंट दे रहा है, एक और है कि बहुत फास्ट स्पीड में दौड़ा है, वायुवान वाले को और ही पेट्रोल से ही उसका सूक्ष्म होता है ईंधन। तो वैसे जो हम लोग का लेयर है तो उसमें पांच कोश हैं, एक दो तीन चार पांच, यही सेल है। आत्मा को पाना है ये यहाँ पर आत्मा है, इस सैटेलाइट को छोड़ना है कहाँ ऑर्बिट में परमात्मा को छोड़ना है। ये आग निकालेगा इसका एक, इसको बोलते हैं प्राणाग्नि। देखिए एक वाला, दूसरा है जीवाग्नि, तीसरा है योगाग्नि, चौथा है आत्माग्नि, पांचवा है ब्रह्माग्नि। अग्निना अग्नि संहिता वेद का एक सूत्र है, आग से आग जलता है और आत्मा से आत्मा प्रवेश होती है। माचिस जलाए, हवन कुंड में डाले, उस लकड़ी में जो आग बंद था वो लपटे लेने लगा, आग से आग जला और धधक गया थे और वो किया गया कि जो हवन शकल में आग दबा पड़ा है उसको उन्होंने तोड़ फोड़ कर भाप बनाकर प्लाज्मा तक पहुंचा दिया। देखिए एक से गति तेज करते जा रहा है, आग से आग जल रही। तो ये प्राणाग्नि जब खूब लपटे उठने लगती है तब इस सेल को जगाता है, डायरेक्ट इसमें आग लगाएंगे तो दिक्कत पड़ेगी, आग से आग जलेगा। अन्नमय कोष के भीतर में जो आग है वह है प्राणाग्नि। अग्नि को जलाने के लिए माचिस बारे इसमें जलाएंगे, घर्षण करेंगे, मंथन करेंगे, इसमें रगड़ेंगे, लकड़ी में आग है लेकिन घर्षण से पैदा हो गई, शरीर में आग है, आत्मा है, ओजस है, तेजस है भरा हुआ, लेकिन घर्षण किया जाएगा साधना का तो आग निकल जाएगा। तो इसी घर्षण करने के लिए आसन है, उपवास है, तत्व शुद्धि तपस्या है, इससे हम अग्नि प्रतिगुणन करते हैं, ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि करते हैं।
अग्नि प्रदीपन होगा तो प्राणाग्नि आ जाएगी। ये सारे कुंड है, पांच कुंड है, पांच कुंडीय जगह आदमी हमेशा करते रहता है। गायत्री आत्मा हो गई और उसके पांच मुख पांच मुख हो गए। गायत्री मंत्र के प्रैक्टिकल को पंचवर्षीय साधना कहते हैं। कोई नई विधा नहीं है, महाविज्ञान के तीसरे भाग में सब बताया गया। तो आसन उपवास तो इन कोषों को भीतर में कुंडल तली पड़े नहीं करें, या फिर वर्टिब्रल कॉलम में यहां से लेकर चलते हैं। चक्रों की स्थिति है, ये सूक्ष्म शरीर में दबी पड़ी अग्नियां हैं चक्रों के भीतर, इसको भी प्रज्वलित करते जाएंगे तो भी ये बात मिलेगी। आनंदमय कोष ने यानी आत्मा आनंदमय है, ईश्वर आनंदमय है, शांतिमय है, उसको पाना है तो हमें कुंडलिनी जगाना पड़ता है। तो निरापद ढंग से कुंडलिनी जगे जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो वो ये है पंचकोशी साधना, क्योंकि वही कुंडलिनी पांचों कोषों में दबी पड़ी है कुंड। इसके लिए कुंडलिनी जगाना वर्णन है कोष का, तो आसन उपवास तत्व सभी तपस्या, और इस कुंड में दबी पड़ी अग्नि को प्राणाग्नि कहते हैं। कुंडलिनी के पांच नाम, हर सिस्टम को चलाने के लिए एक अग्नि होगी, एक बिजली होगी, एक शक्ति होगी। तो ऐसा सुना जाता है कि कुंडलिनी जगने से रोग भस्म हो जाते हैं। तो अन्नमय कोष की कुंडलिनी है प्राणाग्नि, वो जग जाएगी तो तीन लाभ मिला, निरोग जीवन भर के लिए सारे रोग खत्म हो जाएगा, होगा ही नहीं। अभी तो हल्की जगता है उज जाता है, दो दिन ठीक था रोग नहीं था फिर रोग आ गए, परमानेंट तो नहीं धक्का ले आ गया कि हो रहा जरूर ही ना है। पाप पुण्य सब भस्म करके साधन को चमका कर, तो जानकारी अलग है, दर्शन होना अलग है, आत्म साक्षात्कार आत्मा का अनुभव होना अलग है, आत्मा का लाभ लेना अलग है, और उसे दूसरों का कल्याण करना अलग है। यही पांच भुजा है गायत्री माता का दाहिने हिस्सा में, और पांच भौतिक है साधक का स्वास्थ्य ठीक होता है, ये भौतिक लाभ मिला उसका। दूसरा साधक की प्रतिभा बढ़ जाती है, तीसरा साधक के पास धन की कमी नहीं रहती क्योंकि वह धन को चाहता नहीं। त्यागी आदमी के पास ही धन होगा, धन के पीछे भागने वाले के धन नहीं होता है। इच्छुक जीवन भर इच्छुक रह जाता है, कभी धनी नहीं बनता, भीख मांगते मांगते मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर भीख मांगेगा, क्योंकि हर भीख मांगने के लिए उसको नीचे रंग हाथ करना पड़ता है, और नीचे रहने वाला ऊपर नहीं उठता है, दाता बनना पड़ता है। दो दाता हमेशा ऊपर रहे, डोनर देवता लोग देते हैं। तो इसमें तो प्राणाग्नि उत्पन्न होगा तो शरीर निरोग होगा, उम्र बढ़ जाएगी। ईटा कम पका हो तो उसमें नूरी लग जाता है मकानों में, सीवरेज वाला एरिया में कमजोर इसे लगे तो नूरी नमक लग लग के झड़झड़ के गिरता है, और ये सॉलिड पका हुआ है तो टनाटन डाल देता हूँ, उम्र बढ़ गई तो आग पैदा कर देंगे तो सारे सड़े गले ईंटे फिर सब भस्म हो जाएंगे और सब तप जाएंगे तो उम्र बढ़ेगी। कौन सी बड़ी बात है अपनी आयु बढ़ाना। अन्नमय कोष की केवल हम लोग साधना कर लें तो गुरुदेव का एक बहुत बड़ा 30% काम पूरा, क्योंकि स्वस्थ शरीर पहला लक्ष्य है। पृथ्वी पर कोई रोगी ना हो, दवा मिले तो ना मिले तो ऐसे स्वस्थ रहे। जब तक से नहीं इतना कर रहे हैं तो किसी भी पैथी को अपना निरोग होना चाहिए। आयुर्वेद खाएं कि यूनानी खाएं कि एलोपैथी खाएं कि नेचुरोपैथी खाएं, कोई पैथी खाइए नहीं, कहिए कि हम निरोग हैं बस। पैथियों से क्या लेना, रोगी अपने को मत करें। जो माटी फाक कर धूल फाक के सोना फाक
हमको यदवत तदवा कदुचित पुरुषार्थ। महर्षि कपिल ने कहा चाहे जैसे भी हो उल्टा सुल्टा कैसे हो प्रकृति के चिपकाव को खत्म करें, घर्षण रगड़ उठा पटक के जीवन से बाहर उठें वो, और जीवावस्था आ जाएगी, आग में चमक करती है, जीवाओं में प्राण से रखता तो वो होल लाइफ बना रहता ये विषय। जब तक जिए उसी पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जब ही देखते हैं बूढ़े लोग से कम उम्र वाले को तो हम ये सोचते हैं कि 80 वर्ष के हैं हम 80 वर्ष में कैसे रहेंगे, वो तो भविष्य के गर्व करना है। अभी इस हड्डे फैक्टर वाले में हम क्या, तो होल लाइफ जीवन सर्वदा सतम की किताब है कि 100 वर्ष तक इंजॉय और पसंद ऋतु का, यानी जैसे बच्चे इंजॉय रहते हैं ऐसे 100 ईयर्स तक इंजॉय लेना चाहिए बुढ़ों को, तो वो संभव है, ऐसा लग रहा है कि संभव है। जब जावत जीवन सुखम जीवन, एक नास्तिक व्यक्ति जब कहता है कि जब तक जीव सुखपूर्वक जीव तो आस्तिक क्यों नहीं जिए, तो ये प्राणाग्नि प्राणाग्नि के लपटे उठेगी तो प्राणमय कोष के लिए बल कम लगाना पड़ेगा, इसमें जीवनी शक्ति है, जीवटपन है, इम्यून सिस्टम है, हो गया तो ये आग उसको लगा। तस्मिन सति कहा कि आसन जब सिद्ध हो जाता है तब प्राणायाम काम करता है, आसन इसमें था प्राणायाम इसमें है, प्राणायाम प्राणायाम बदमुद्रा पतंजलि ने लिखा, आसन के बाद प्राणायाम लिखा है, लग रहा है ना सीक्वेंस गुरु जी ने सब रखा वैसे ही, इसको इतना सरल कर दिया कि यम नियम के बिना नित्यम आसन उपवास तप सभी तपस्या करोगे तो यह आग जल जाएगी, कितना सिंपलिस्ट कर दिया, लग रहा है ना। तो बच्चा भी नहीं कर सकता है, सो रहा है तो सवासन पालने के भी आसन कर रहा है, हाथ पांव चला रहा है गत्यात्मक आसन कर रहा है, हम कैसे कर सकते हैं बच्चों के लिए नहीं है, फीडिंग ले रहा है दूध पी रहा है तन को मजबूत कर रहा है, दूध देना बंद कर देंगे तनमय बस कमजोर हो जाए, तो बचपन से हमें उसको फिजिकल बॉडी को मजबूत बनाना है, शरीर को स्वस्थ बनाना है, जीवन भर काम करना है, बल होना चाहिए खेलने के लिए कूदने के लिए दौड़ने के लिए पढ़ने के लिए, एनर्जी ना हो तो एक पहलवान से अधिक ऊर्जा चाहिए एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, बहुत कैलोरी खर्च होता है, तो उसको एनर्जेटिक बॉडी होना चाहिए। उसमें भी हमने देखा कि एनर्जी के कुछ शरीर में सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर लेंगे तो शरीर से बिजली पैदा होगी, मान लीजिए कि बाहर का सप्लाई बंद हो गया, बाहर का सरकारी बिजली घर में आना बंद और घर में जनरेटर रखे हो तो मत तो दूसरा हम अपना जनरेटर चला लें, तो ईश्वर ने भी जनरेटर डाल दिया है, खाना पीना न मिले बाहर वाला लोग हेल्प करना बंद कर दे तो अपना जनरेटर चालू कर ले, इतना कीमती मशीन, इसलिए कहा गया बड़ा भाग हमारे स्तन बाबा, इतना कीमती कीमती मशीन वाला शरीर मिल गया और इसका इस्तेमाल करना न जाने, आपके घर में राइफल है, हाँ है तो अच्छा राइफल है कि कहाँ रखते हैं, छुपा के रखते हैं उसको, चलाना भी जानते हैं नहीं चलाना नहीं जानते, तो फिर लाठी में उसमें काम कर रहे हैं, कोई आकर तो लाठी इस्तेमाल 2 लाख का पैसे का है बर्बाद हो सोता है वो लेकर तो बैठे रहते, फिर ह्यूमन बॉडी क्यों कद्दू के रूप में हम लोग अच्छा सुभा देते, छप्पर पर पड़े रहते खाली मोटाते रहते क्या दिक्कत काम में ना, तो इसीलिए भगवान सीप घोंघा वाला बॉडी देते, इसको ह्यूमन बॉडी देने से इस्तेमाल नहीं किया, सारा ब्रह्मांड कंप्यूटराइज मशीन ईश्वर का और आदमी का बॉडी रिमोट है जिसके द्वारा पूरे विश्व को चलाया जा सकता है, 2400 तत्व से सृष्टि बनी है, 2400 तत्व को चलाने के लिए शरीर में 24 पॉइंट है और एक क्रिएट करने के लिए 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र है, सब तो फॉर्मूला है साथ में, इसमें प्राणाग्नि आई, ये आग इसको जला दे, यानी सरस इसके द्वारा ये मदद करता है इसको, ये हेलीपैड बनता है इसको उड़ान करने के, प्राणायाम बंद मुद्रा प्राणायाम बंद मुद्रा, इस आग से इसकी लपटे उठ जाएगी और यह आग फिर योगाग्नि को पैदा करेगा, ऐसा होता है योगाग्नि जो
दो विपरीत शक्तियों को जोड़ता है, राग को और वैराग को जो जोड़ सके वह योगी है। उल्टा दिशा में भाग रहा है, राग चिपकाव कर रहा है तो वैराग दूर भाग रहा है, और दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं, ना कमाल का है। समीक्षा तथा निक्षा जैसे कर्मे की स्थिति न लिपते प्रज्ञा पद्म पत्र मीमांसा, उपनिषद कहता है जिसकी न इच्छा हो न अनिच्छा हो संसार को छोड़े दीमक और संसार से चिपके भी कमाल की बात, किसी से भी वैराग्य नहीं और किसी से भी राग्य नहीं लग रहा है ना। किसी को इसी कहते हैं युगस्थ कुरु कर्माणि, हे अर्जुन योग में स्थित होकर कर्म करो, उस पॉइंट पर रहकर कर्म करो जहां न राग है न वैराग्य है, वैराग्य भी नहीं और राग भी नहीं, कितनी साफ स्थिति है वही सुषुम्ना कहलाती है। वो एक धागा नहीं है कहीं बॉडी में उसमें तैर करके जाएगा ना, ऑपरेशन से मिलेगा, एक मनोभूमि है आत्मा की चेतना की ऐसी अवस्था है जो चिराकाश कहलाता है। ये तो योगाग्नि पैदा, घर छोड़ दे, बच्चे क्यों छोड़ दे, जब ईश्वर सब दे रहा है तो क्यों छोड़ दे, बात कर रही है ना, ये खाना छोड़ दीजिए वो खाना खाइए क्यों छोड़ दे जब ईश्वर सब जगह पड़ रहा है ना बात, तो ऊपर जाकर क्यों घर में दिमाग पगला जाएगा, पढ़ते पढ़ते नीचे वाला क्लास में तो लग रहा है ना, छोड़ते हैं ये हो जाता है वो हो जाता है, इसलिए हो जा रहा है, कभी हम पके हुए नहीं है। आदमी के भीतर का आग न निकलता हो, गोद वाले बच्चों की साधना कम है तो कोरोना टटका नजर गिजर लग जाएगा, और साधना करके अपना भामंडल बढ़ा लेगा तो टोना टटका करने वाला जो वेदिकेगा इसका भामंडल से टकरा कर लोक पर दुगना रखता है उसको भसम कर देगा, यानी गायत्री साधक बिना किसी मंत्र के संसार के तांत्रिकों से लड़ लेगा, वो मंत्र बड़बड़ाते रहे दिन भर ही कुछ नहीं बोलेगा तो भी जिधर जाएगा तांत्रिक फाटते जाएगा, क्योंकि उसकी आभा मंडल काला किरण का होता है और गायत्री साधक का आभा मंडल बिल्कुल व्हाइट होता है, सूर्य ज्योति के कुल काला पर व्हाइट हमेशा विजय पाता है, अंधेरे पर छोटा दिखकर अंधेरे को फाड़ देगा, तो वो क्लेश पैदा होना चाहिए गायत्री साधक के भीतर में, और वो क्लेश भीतर दबा पड़ा और हल्की फुल्की साधना से जग जाए, प्राणायाम बंद मुद्रा जब ध्यान त्राटक कर मात्रा साधना, चारों करना जरूरी नहीं है, एक ही से काम चल गया तब क्यों दूसरा करेगा, यदि जब से मन नहीं भागना बंद हुआ तब न उसने ध्यान जोड़ देगा, ध्यान से भी भाग रहा था तो दोनों लगाएंगे जब और ध्यान एक साथ करेंगे, त्राटक टकटकी लगा कर देखेंगे घूरेंगे उसको कहां भागा क्या कर रहा है किधर मन जा रहा है घूरेंगे कहां गया, बच्चा खेलता है तो गार्जियन भूलता है कहाँ जा रहे आज के पास जा रहे ठीक है जाओ जलेगा अपने कहीं कहीं रोगे जब रोगे तो हम जाके बचाएंगे, उसको ज्ञान नहीं मिलेगा तो मन को केवल देखा भी जाए घूरा भी जाए कहाँ कहाँ गया क्या खोज रहा है तो उससे भी अनुभूतियां बढ़ती नॉलेज बढ़े, भगा ना क्या यहाँ वहां भी ईश्वर है वहां गए तो देख यहाँ पर तुमको जल गया ना अब देखो इस जलावत में ईश्वर, अब उसको टेक्निक बता देंगे याद से पानी के साथ कैसे खेला जाता है आग से खेलने का उपाय क्या, तो त्राटक के साथ तन्मात्रा साधना यदि बता दिया जाएगा तो उस आग से खेलते हुए लड़का नहीं खेलेगा, संसार से खेलना हो तो तन्मात्रा पर पकड़ होनी चाहिए नहीं तो दबुच लेगा, संसार भोग है रूप रस गंध सत्व स्पर्श का समुद्र है, इसलिए कहा गया सत्य उसके भीतर भूला हुआ है, इसमें खेलते रहे तो सत्य में सत्य को नहीं देख पाए, उसको खोड़कर भीतर घुस करके जाना पड़ता है, हिरण्यमय न पात्रेण सत्य सामपिंड मुखम, वेद कहता है कि सत्य का मुंह हिरण्यमय ढक्कन से ढका हुआ है, एक सुनहले पात्र से ढका हुआ है ढक्कन से, यह सुनहला ढक्कन क्या है रूप रस गंध शब्द स्पर्श
इसके ऊपर ग्लैमरस ढक्कन से, चमकीले ढक्कन से सत्य का मुंडा डालो। तो उसको फोड़ करके, यानी उसको फोड़ने की ताकत तभी होगी जबकि उसमें रमण करते हुए उससे लिप्त न हो और पार कर दे। तो ये शैली होती है तेना तेक्टेडा मुंजिदा करने को। तो वो इसमें बात आ जाती है और उसको दिखाई पड़ेगा नहीं, आसन प्रणाम दिखेगा, मन की साधना नहीं की। योगाग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है तब यही आग आत्मा को देख, क्योंकि आत्मा सब जगह है, राग में भी है, वैराग में भी। पहले राग अलग था, वैराग अलग था, ऐसे कर रहे थे। वैराग्यम विश्वास था, वैराग्य शब्द था, क्योंकि वो मन पर कंट्रोल करता, मन में होता है। और यह बात थी, जब हो जाता है तब यहां पर राग वैराग से परे हो जाता है। आत्मिक स्थिति में आदमी हर जगह हरेक से प्रेम करेगा। भजन गाने में तो अच्छा लगता है हम लोग को, हमने ओ तुम में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। गाना सुनने में तो अच्छा लग रहा है, गाने वाले भी झूम रहे हैं, और बाहर आने के बाद यूं यूं गाना शुरू हो गया, हो कि नहीं, ऐसे बोल दिया, वो बोल दिया। भाषण सुनते समय लगता है प्रवचन, हम तो संत हैं, सारा बात तो हमें आए ही, अब बाहर निकलने के बाद सब लग रहा है ना कि कठिन है। इसमें गायत्री माता हम पूजा करते हमारे भीतर है, और कुकुर बिला रहे, कुत्ता है उधर, लुकड़ी है उधर, जाकर के सांप और कीड़े रेंग रहे हैं उसमें, नहीं यही ना बात थी। तो फिर ये करना कहाँ गया, हर प्राणी में तुम्हारा पंकज नमस्कार था, रवि मंडल की ज्योति है गायत्री माता। तो प्राणी तो वही जिसमें प्राण है वो प्राणी है, कीड़े मकोड़े भी प्राणी हो गए, खटमल वगैरह भी प्राणी हो गए, साफ सुंदर पकली घाय बोड़े सब हो गए, उसमें निहाय हो चमक रहा है सूर्य का। तो अब भेद दृष्टि खत्म होने वाली इसमें आती है आत्माग्नि। उस युगाग्नि को यानी वैराग को राग से जब जोड़े तभी न धर जाएगा। ईश्वर सूर्य पासक है, सूर्य की किरणें तो कीचड़ में भी जाती है तो नहीं लगता, हम कैसे सूर्य पासक, यहां वह जाने पर डरने लगे। सभी दिशाओं में अपनी किरण फेंकनी चाहिए, सत रज तम तीनों पर, तीनों दादाजी तीन भाई ब्रह्मा विष्णु महेश, सत रज तम, और क्यों एक 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 ही दादा को प्रणाम करे सत सत वाला, तो बाकी दूसरे का दादा कहे अगर तू अपने नाती को नलायक बना दिया, देख हम तुम्हें तुम्हें प्रणाम करता, हम लोग भी पकड़ो ठीक है प्रणाम लगा। तो हमें ईश्वर ब्रह्मा भी है यानी सृजन भी करता है, पोषण ही करता है और ध्वंस भी करता है। तो ये तीनों वाले ज्ञानात्मक भी है, कर्मात्मक भी है, कर्त्यात्मक भी है। तो आनंद आनंद तब मिलेगा जब यहां पर ये आ गया सहस्रार्थ। यह है कुंडलिनी, यहां पर कुंडलिनी, यहां से यहां जाकर मिला देंगे यात्रा। यहां है शिव, यहां है शक्ति, शिव और शक्ति के मिलन से जीवन में आनंद आता है। जिस साधक को शिव और शक्ति का मिलन नहीं करने आ रहा है उसके जीवन में आनंद दुर्लभ है। जब जब आनंद आएगा, दो मिनट के लिए आया तो दो मिनट के लिए शिव शक्ति का मिलन हो, और जब मिलन हो जाता है तो भेद दृष्टि खत्म, अभेद द्वैत भाव खत्म। यहां भजन हो रहा है, बहुत आदमी झूम रहे हो, माने कोई झूम रहा है और भजन हो रहा है बढ़िया, या फिल्मी गाना को बढ़िया कोई गाय गा रहा है तो श्रोता गण झूम रहे हैं। तो उनसे जाकर कहिए अच्छा लग रहा है, मत पूछिए झूम रहा है, उसको वर्णन नहीं कैसा लग रहा है, झूमेगा खाए खोपड़ी हिलाएगा। सचमुच अच्छा लग रहा है, अरे हाँ जी मत पूछो। तो आप गा सकते हैं इसको, नहीं गाएंगे नहीं, खाली बात झूमेंगे बस,
उगा नहीं सकता लेकिन झूम रहा है। तो अच्छा झूमने के क्रम में उसको ये भी नहीं पता है कि खोपड़ी कितना दूर इधर जा रहा है कितने इधर जा रहा है। आप बगल में एक सुई रख दी है पर झूम चुभेगा उसको झुकना ना। तो झूमते समय सारी बाउंड्री की सीमाएं आनंद में खत्म हो जाती है। ये भी नहीं पता चलता कोई हमको देख रहा है कि नहीं देख रहा। अद्वैत की स्थिति को साधना ही आनंद में को उसकी साधना। संसार में कोई एको अहम दिव्यो नास्ति जब ईश्वर ने कहा कि वह तब समय सारे के सारे दृष्टि खत्म होते एको ग्रह दिव्यो नास्ति। और जो दूसरा दिख रहा था ज्ञान के नेत्र से दूसरा है ही जब सारे तरंग से बने हैं वैज्ञानिक दृष्टि भी हम रखें तो सारा संसार तरंगों से बना है। वेव से है गोल गोल घूम कर वस्तु बन गए और वेव से निकला है ऊर्जा से क्वांटा से निकला है ड्यूअल नेचर में तो ऊर्जा को दिख नहीं सकते। प्रेम दिख नहीं रहा है भावना दिख नहीं रही है हीट दिख नहीं रहा है लाइट दिख नहीं रहा है कैसे टकराता है तब लाइट दिखा किरणें कहाँ दिख रहे हैं चुंबक दिख नहीं रहा है रिमेट यहाँ से दवा एक पीनू वहां बंद हुआ जो यहाँ से जाकर वहां बंद किया वो वहां से तो नहीं दिख रहा तो ऊर्जा नहीं दिखता और इसमें से वे निकल कर काम कर रहा तो सारा संसार ऊर्जात्मक। तो इसी को कह देते हैं शक्ति और इस ऊर्जा को हैंडल करने वाला को तो कह देते हैं शिव। दोनों भूल मिल जाता है तो अर्धनारीश्वर बन करके आनंद देता है। इसको देखिए यहाँ पर है अब इसको हम मिटा दें साधना का क्रम। तो शिव जी जब पढ़ा रहे थे आत्माग्नि आत्मा की अग्नि आत्मा की अग्नि ने संसार के सारी चीजें पारदर्शी दिखती है। न कोई चक्र है न उपचक्र है न पाप है न पुण्य है इससे ऊपर उठ जाता आदमी की दृष्टि हुआ आत्माग्नि क्योंकि पापियों में भी है आत्मा और सारी आत्माएं एक समान है। जो अंतर था यह अपरा प्रकृति का था परिवर्तनशील आवरण जो थे उसके चलते अंतर दिख रहा था। आत्मा में अंतर नहीं है वो एकदम पवित्र है परमात्मा का। इसको जैसे जैसे अब देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु सूक्ष्म हो रहा है आकाश ये सारे परमाणु को गर्म कर दिए तो पिघल गए और गर्म किए तो ऊपर उठने लगा और गर्म किए तो परमाणु यहां तक और गर्म किए तो तरंग बदल जाएगा। कैसे उसका फ्रिजीकरण हुआ है ये फ्रिजीकरण हुआ है सुनने का। और बस यहां के बाद जब किसी को आप नहीं देख पाते आकाश का कहां पर उछोर है इसके ऊपर वाला और सूक्ष्म कहां देखेगा। इसके बाद के सूक्ष्म को में चेतना की मात्रा बढ़ती जाती है मन के दिखेगा नहीं सब जगह उसके मध्य बुद्धि प्राण प्रज्ञा हो जाता है प्रज्ञा वो प्राण प्रज्ञा के रूप में आ गया और बुद्धि रिफाइंड हो गई तो प्रज्ञा बन गई यही प्राण आत्मा देखते हैं परमात्मा। क्रमशः यह है विज्ञान इतना बस अध्यात्म यहां तक की यात्रा। इसलिए कहा जाता है कि जहां विज्ञान का अंत होता है तहां से अध्यात्म शुरू होता है। इसका मतलब यह नहीं करा यह नहीं रहेगा तो हेलीपैड नहीं मिलेगा हेलीपैड है। तो आज यहां तक पहुंच चुके हैं यहां के बाद आप हाथ उठा दिए कि आगे हमारी यात्रा नहीं। तो इस प्लेटफॉर्म से अब समय आ गया है कि हम इस लेयर की शोध करें यानी अगले दिनों वैज्ञानिक शोध आदमी की न होगी और भावनाओं को भी प्रैक्टिकल के प्रयोगशाला के लेबोरेटरी में भी प्रयोग करेंगे 35% सब काम करने के ये बात
तो जब समझिए ये इसने भूल लिया, इसने भूल लिया, सब भूलते जाए, इसने भूल लिया, इसने भूल लिया, इसमें भूल लिया, जब यहाँ भूल लिया तो बात क्या लिखे, वो इसकी प्रकाश बन गई। और इसी को भूलियन विलियन के लिए चढ़ाते हैं। अब जैसे यहां से यहां तक इसको देखते हैं, बनाते हैं ये वाला, तो ये ब्रेन स्टेम हो गया, ये वो बात आ जाती है, यहाँ पर ये वाली बात आ गई, ये वाली बात आ गई, ये आपका हो जाता है धड़ वाला, आपका पुनरी जागरण का क्रम है। ये यहाँ पर ओम लिखते हैं ना, ओम हम ये वाला क्षम, इसको ध्यान से देखिए तो ज्योतिर्लिंग जैसा दिख रहा है मंदिरों में। कुंडलिनी जागरण की विधा को गांव गांव में कभी ऋषि में पढ़ाते थे मूर्तियों के माध्यम से। तो क्योंकि ऊर्जा का उन्नयन के बिना आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, ऊर्जा को उन्नयन करना पड़ता है, काम शक्ति को ज्ञान शक्ति में परिवर्तन करना होगा। इसलिए हर गांव में अन्य देवी देवता के मंदिर मिले ना मिले, कुंडलिनी साइंस का जरूर मिल जाएगा, ज्योतिर्लिंगों का मंदिर, लिंग वेदी उमा देवी, इसको उमा कहा है, और लिंगम साक्षात महेश्वर ऊपर वाला महेश्वर। और जहां ज्योतिर्लिंग देखते हैं यहाँ पर ऐसे त्रिपाद अष्टेंद्र गढ़ करके और यहाँ पर एक कलश लटका कर गुन गुन पानी करता है रुद्राभिषेक में, तीन तांग टीका पीड़ा सुनना और अमृत कलश ससराज से ग्रहण जो गुण गुण टप टप करके इसको ठीक कर। इसलिए कहा है कि शिव संहिता ने कि व्योम पंकज निश्चयम दह सुधा पांड्र दो हरे, जो ससराज कमल से टपकते हुए रस को पीता है मध्य पान इधर प्रथम, उसी को कहा जाता है कि मध्य पान करता है, इतने मध्य पानी न बाकी सब तो पियक्कड़ है और शराबी बनकर कहीं खर्रा पी के मना। तो ये योगियों का मध्यपान, मध्यम मांसम च मीनम च मुद्रा मैथिनमेव च मकारम पंचमम आहो योगिना मोक्षदायक, पांच मकार है जिसकी सेवा साधना किया जाए तो योगियों को मोक्ष मिलता है। मध्य है, मांस है, मीन है, मुद्रा है, मैथुन है, ऊपरी कक्षा में शब्द तो यही रहते हैं, परिभाषाएं बदल जाती, निचले क्लास वाला भी था, कम बुद्धि का मैट्रिस्टिक माइंड को लेकर के जाने वाला था विरोचन, और स्पिरिचुअल माइंड को लेकर बैठे थे इंद्र, दोनों भाई थे ब्रह्मवादी, ऐसे की जा करके शिव जी के पास ज्ञान ले लो। पहले दिन क्लास में दोनों गया था, कहे कि पांच मकार है, साधना कर लेने वाला आत्मा को जान जाएगा, मध्यम मांसम च मीनम च मुद्रा मैथुनमेव। दूसरे दिन विरोचन गया ही नहीं पढ़ने, क्या कम से जान ही गए, शराब पीना है, मछली खाना है, मांस खाना है, अब मिल जाए। खरे इंद्र गया था, वो कहाँ गया है, कहा कम से जान गए कि शराब पीना भी नहीं, कोई मध्य बोल रहा मांस का तो बोल रही थे, और जाके प्रचार कर रहा है कि हमने जान लिया है, आत्मा को जान लिया है, खाओ पियो, यही करना होता है। शिव जी ने कहा, हमने कहा, सोचा हमने कि शराब पीने वाला तो नली में पड़ा हुआ था, आत्मा कैसे जाना, तो अपने को भी पता नहीं है कि कहाँ है, तो जरूरी है कि इसका व्याख्या कुछ और बता दो, आप बताइए कि इसका सही क्या है। कब वो कहा बोले थे कि योग पंकज निश्चयंतर सुधा पांडव कब है, इस शराब को जो पीता है तो वो आत्मा को पाता है, बाकी तो पियकड़ है और मध्यम नीचे की तरफ गिरे। मांसम मांस क्या खाना था, अपदनन पुरुषों पसंद, पुरुष बहन थी, ब्रह्म को नहीं खाया, ईश्वर ने अपने को गला कर अपने मांस को गला करके संसार बना दिया, अपने आप से ही जब कोई निकालता हो तो नहीं कहा जाएगा, तो अपने आप को गलाया, बीज गला पेड़ बना, बीज कहाँ गया, गला दिया, अपने मांस अपने खा करके पेड़ बनाया। बाल समय रवि भक्ष लियो सविता को खाए थे वो, हम लोग उपासना में सूर्य को खाते हैं, ब्रह्म को खाना ही मांस को खाना, वही है सारा सृष्टि। या फ्लेशी फ्रूट, फलों में भी तो मांस होता है, फ्लेशी फ्रूट ड्राई फ्रूट दो ही वैरायटी का फ्रूट, केला हो गया फ्लेशी मांसल फल, केला खा रहे हैं तो
हल्का मांस खा रही है। गुद्दा जड़ी बूटियों का, औषधियों का, या पशुओं का मांस खाना है तो काम क्रोध लोभ आदि पशु, काम क्रोध लोभ को पशु कहा गया, जानवरों पर नहीं। वेद की अलग भाषा है, गो मां हिंसी कहता है, गाय की हत्या मत करो, अभी मां हिंसी बकरों की हत्या मत करो, मां हिंसा सर्वाभूता नहीं, किसी भी जीव जंतु की हत्या ना करो, काम क्रोध लोभ आदि पशु, काम क्रोध लोभ को पशु कहा जाता है। जिस खोपड़ी में घुस गया आदमी जानवर की तरह व्यवहार करता है, इसलिए उसको खाओ। देखे मांस खाने वाला बन जाएगा कि नहीं करेगा, तो इंद्र ई वाला खाने लगे और विरोचन मीट की दुकान को बिठाता, तो कब कब हमारा वाला कट के आएगा, असुर बन गया, योद्धा बन गया। नीलम च मछली, एक दिन मछली पढ़ा रहे हैं, हे इंद्र मछली खाओ, वो योद्धा के खाओ, तभी पाप करने वाला है। अभी हम सुबह में सवा सौ मछलियां खा के आए, मजा खूब स्वादिष्ट। शिवजी बता रहे थे कि हे इंद्र, गंगा जमुना मध्य है दो मत्स्य चरता सदा, गंगा और जमुना नामक दो नदियां शरीर में बहती हैं, इसमें दो मछलियां बराबर चलते रहती हैं, ईड़ा और पिंगला, ईड़ा गंगा है, पिंगला जमुना है, दो मछली बराबर दौड़ते हैं, रे चकुर रे चकुर, तो मत्स्य भक्ष्य देशतु, इन दो मछलियों को जो खाता है यानी कुंभल करता है, मिलाता है, सब भवित मत्स्य साधक, उसी को कहा जाता है मछली खाता। कितनी कमाल की बात थी, कहां तंत्र है और कहां तांत्रिक बन करके भाई पूजा रहा है, नकली को पूजवाने नहीं देंगे गुरु जी, असली अध्यात्म आ गया। अध्यात्म के नाम पर नकली बाजी बहुत हुआ, बहुत खेला छुपे चल, युग परिवर्तन में शुद्ध और शुद्ध तत्व आ जाए, ये काम की बात थी। तो ऐसे ही है, और मुद्रा में नोट कठोर रहा था, मुद्रा कहां जा रही लड़कियों को तिलक चढ़ा, तिलक तो यहाँ होता है, तिलक तो अपने यहाँ पैसा साटे हैं, साठते हैं।